सलमान खान और एटली के साथ में काम करने की खबरें लंबे समय से चल रही हैं। जवान के बाद एटली भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। ये दो हीरो वाली फिल्म होगी जिसके लिए सलमान का नाम तकरीबन फाइनल हो चुका है। दूसरे सुपरस्टार की तलाश चल रही है, कभी रजनीकांत तो कभी कमल हासन का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। A6 जब होगी तब होगी, उससे पहले ही सलमान और एटली साथ काम करने जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सलमान एटली के पहले बॉलीवुड प्रोडक्शन बेबी जॉन में कैमियो करने वाले हैं। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक वरुण धवन स्टारर बेबी जॉन में एटली ने सलमान को एक कैमियो ऑफर किया है जिसके लिए सलमान ने हाँ कर दी है। ये एक बड़े स्केल पर प्लान किया हुआ मासी एक्शन सीक्वेंस होगा जिसे खास सलमान के लिए लिखा और डिजाइन किया गया है। इस सीक्वेंस में सलमान के साथ वरुण भी नजर आएंगे। इस कैमियो की शूटिंग जुलाई के आखिर में या अगस्त में होगी। सलमान और वरुण इससे पहले जुड़वा, अंतिम और मैं तेरा हीरो में साथ काम कर चुके हैं। जुड़वा में सलमान ने कैमियो किया था, अंतिम के एक गाने में वरुण नजर आए थे। वहीं मैं तेरा हीरो में सलमान ने भगवान के किरदार को आवाज दी थी। सलमान की भारत के लिए भी वरुण ने कैमियो शूट किया था मगर उस रोल को फाइनल कट में फिल्म से हटा दिया गया। वरुण धवन की बेबी जॉन की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक गाना और सलमान वाला एक्शन सीक्वेंस शूट होना बाकी है। इस फिल्म में वरुण के साथ वमिका गब्बी, कीर्ति सुरेश जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को कालीस ने डायरेक्ट किया है, मुराद खेतानी के साथ मिलकर एटली ने प्रोड्यूस किया है। बेबी जॉन एटली की ही थलपति विजय स्टारर फिल्म थीरी की रीमेक बताई जा रही है। ये फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घरों में लगेगी। वहीं सलमान खान इन दिनों अपनी नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। AR मुरुगदास के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में शूट किया जा चुका है। इसमें सलमान और प्रतीक बब्बर ने एक हवाई एक्शन सीक्वेंस शूट किया है। अब अगस्त से इस फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू होगा। सिकंदर में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सलमान, मुरुगदास और साजिद तीनों के ही करियर की सबसे महंगी फिल्म है। सिकंदर को 400 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जाना है। ये फिल्म 2025 ईद के मौके पर सिनेमाघरों में उतरेगी। सिकंदर की शूटिंग इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद सलमान एटली वाली फिल्म में जुटेंगे। इस महीने के अंत तक ये फाइनल हो जाएगा कि A6 में सलमान के साथ कौन सा सुपरस्टार दिखाई देगा। एटली वाली फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगी। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।